बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज की हमारी रेसिपी है इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार। इसे आप रोटी, पराठा, दाल चावल या थेपले के साथ भी खा सकते हो। आप कहीं घूमने या ट्रैवल्स पर जा रहे हो तो भी इसे साथ में ले जा सकते हो। ये अचार खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और खाने का स्वाद दोगुना बढ़ा देता है। तो चलिए हरी मिर्च का अचार कैसे बनता है देख लेते हैं। मिर्च का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 200 ग्राम वडवानी मिर्ची ली हूँ। ये देखिए इस तरह की आती है ये मिर्ची। ये बिल्कुल भी तेज नहीं होती है ये मिर्च, तो इसका अचार बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो हमें इसे अच्छी तरह से धो लेना है और धोने के बाद इसे हमें कॉटन के कपड़े से साफ कर लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। क्योंकि जब भी हम अचार बनाते हैं मिर्च में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी की वजह से अचार जल्दी खराब हो जाता है, उसमें फूक लग जाती है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर कॉटन के कपड़े से सुखा लिया है। अब इसमें हम एक कट लगाएंगे। अगर आप थोड़ी सी तेज वाली मिर्च खाना पसंद करते हो तो दूसरी मिर्च भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने वडवानी मिर्च ली हूँ और इसे इस तरह से हम देखिए बीच में से एक चीरा लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने एक कट लगा लिया है ताकि हम इसमें जो भी मसाले डालें वो अच्छी तरह से मिर्च के अंदर तक जाए। अगर मिर्च आपकी थोड़ी खराब हो, यानी इसके जो डीठे होते हैं वो थोड़े खराब हो या अंदर बीज थोड़े काले हो तो वो मिर्च को आपने निकाल लेना है। क्योंकि अगर खराब मिर्च लोगे आप तो अचार आपका जल्दी से खराब भी हो सकता है। सभी मिर्च को मैंने काट लिया है। अब इसका एक मसाला तैयार कर लेते हैं हम। तो एक बर्तन ले लिया है मैंने, उसमें डालेंगे हम एक चम्मच भर के हल्दी, एक चम्मच हमने नमक लिया है, आप टेस्ट के मुताबिक नमक ले सकते हो, थोड़ी सी हमने चुटकी बराबर हींग ली है और दो चम्मच हमने राई की दाल ली है जो अचार में डाली जाती है। ये बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन आपके पास ना हो तो आप इस तरह की जो राई यानी सरसों होती है ना उसे भी मिक्सर में कूट कर ले सकते हो। यानी मिक्सर में एक बार चला देना और मिक्सर में पीसने के बाद इसके छिलके निकाल लेना है तो आपकी ये राई की दाल तैयार हो जाएगी। तो इसे डाल देते हैं हम। दो चम्मच हम इसमें नींबू का रस डालेंगे और दो चम्मच हमने तेल लिया है। नींबू का रस और तेल डालने से अचार जल्दी खराब नहीं होता है। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इस मिर्च के अंदर हम मसाले को थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। हाथों की मदद से मैं मिर्च के अंदर भर दूंगी ताकि नमक की वजह से मिर्च हमारी थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए और अच्छा सा टेस्ट आ जाए। सारी मिर्चियों में इसी तरह से हम इस मसाले को भर देंगे। ये मिर्च का अचार थोड़ा सा तीखा, चटपटा और थोड़ा हल्का खट्टा सा भी होता है तो बहुत ही मजेदार लगता है। आप कहीं सफर पर जा रहे हो तो भी पराठे, रोटी, पूरी के साथ ले जा सकते हो, बहुत ही मजे का लगता है ये अचार। गुजरात में ज्यादातर गुजराती डिश में इस मिर्च के अचार को तो सर्व किया ही जाता है। अभी सर्दियों का सीजन भी है और ये मिर्च बहुत ही अच्छी मिलती है मार्केट में, तो आप चाहे तो ये वडवानी मिर्च से भी इस अचार को बना सकते हो या फिर थोड़ी सी तीखी वाली मिर्च आप खाना पसंद करते हो तो वो मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए सभी मिर्चियों में मैंने मसाले को अच्छी तरह से भर दिया है और थोड़ा सा मसाला मेरा बचा है तो वो भी मैं इसे ऊपर से लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाई है इस अचार को। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो और ज़्यादा दिन तक रखकर इसे खाना चाहते हो और चाहते हो कि आपका अचार जो है ख़राब ना हो तो इसे आप स्टोर करने के लिए मिर्च को कट किया हो तो उस टाइम पर नमक, हल्दी और नींबू का रस डाल देना है और ढककर उसे एक दिन के लिए रख देना है जिससे कि मिर्च में अच्छी तरह से नमक, हल्दी और नींबू का रस चले जाएगा। और उसके बाद एक दिन हो जाने के बाद हम इसे एक कॉटन के कपड़े पे सुखा देंगे जिससे कि मिर्च में जो भी मॉइस्चर होगा, जो भी पानी होगा वो अच्छी तरह से सूख जाएगा। और उसके बाद जो हमने मसाले लगाए हैं वो मसाले डालना है, इससे अचार में फूक भी नहीं पड़ेगी और अचार ज़्यादा दिन तक आप खा सकते हो। लेकिन यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम 10 से 15 दिन के लिए और कम क्वांटिटी में अचार बना रहे हैं। इसे एक एयरटाइट डब्बे में भर के दो दिन के लिए रख देना है और अगर कांच की बर्नी हो तो उसमें रखें आप, जिससे कि अचार जल्दी खराब नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी अचार को भरे तो बर्नी अच्छी तरह से सूखी हुई हो।
और 2 दिन के बाद इसे आप खाने के लिए ले सकते हो। तो ये अचार हमारा बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है, इसे हम 2 दिन के बाद लेकिन खाएंगे। आप लंबे समय के लिए अचार बना रहे हो तो इसमें थोड़ा ज्यादा तेल भी डाल सकते हो, जिसकी वजह से अचार जल्दी खराब नहीं होता। देखिए बाकी का बचा हुआ सारा मसाला भी डाल देती हूँ मैं। और ये मिर्च का अचार हमारा इस तरह का बन चुका है, इसे 2 दिन के बाद हम सर्व करके खाएंगे। दो दिन हो चुके हैं और मिर्च का अचार खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो इसे मैंने पराठे के साथ सर्व किया है। अब इसे खाकर टेस्ट कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आ रहा है। हमने मिर्च के अंदर जो भी मसाले भरे तो उससे ये मिर्च का अचार बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और मिर्च के अंदर हमने नमक और नींबू डाला था, जिसकी वजह से मिर्च में जो तीखापन होता है वो बिल्कुल कम हो गया है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।